नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। हम इसे पहले 9 पार्ट कर चुके हैं, आज हम इसका 10वां पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो बीदर की स्थापना की थी अमीर अली बरीद ने। अहमदनगर की स्थापना की थी मलिक अहमद। और बीजापुर की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह ने। गोलकुंडा की कुली शाह कुतुब ने। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहना ए मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरत काल में दार उल सफा होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर सदाहा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मालादर बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर शाह ने नहीं, यहाँ पर सिकंदर लोधी आना चाहिए, सिकंदर लोधी ने की थी। और 1506 में इसने उसको राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो बन्नी से कितने वर्ष बड़े थे? तो उनसे 32 वर्ष बड़े थे, खुसरो बन्नी से 32 वर्ष बड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकारी संप्रदाय के प्रमुख देवता थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विठल, जो कि महाराष्ट्र में पूजे जाते थे। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था? तो उनका जन्म बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपंग के मार्ग का अनुमोदन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर निम्बार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबर की रचना की थी? तो निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मदन मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संतों और विद्वानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारासिकों की रचना नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दारानामा। बल्कि इसके अलावा सिर अकबर, मजमुल बहरीन और समुद्र संगम, ये सभी दारासिकों की रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी? तो 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुरह कुल की धारणा आधारित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए कब खोला? तो 1578 में, जबकि 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी और 1579 में इसको बंद भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रेम वाटिका का रचनाकार था? तो रस खान। राइट आंसर है रस खान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अबुल फजल की रचनाओं के नाम लिखो? तो अकबरनामा और आयनी अकबरी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अकबरनामा का ही तीसरा जो भाग है वो आयनी अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीला दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? तो यह है पंचतंत्र का है, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्य व अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था? तो राइट आंसर है ऑप्शन
सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह था अहमदनगर। यहाँ की जो राजकुमारी थी, रानी थी, वो थी चांद बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बालाजी बाजीराव, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से तीन जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? तो यहाँ पर 1770 तो गलत होना चाहिए, क्योंकि वो 1764 प्लासिक युद्ध के बाद सौंपे थे मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर एक राइट हो जाएगा, ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को। 1668 की बात है ये, पुर्तगाल की राजकुमारी का जो शादी है वो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ होते हैं और उसको बम्बई दहेज में मिलता है। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन बी रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध हुए तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर 1897 में होना चाहिए था, इसकी स्थापना विवेकानंद यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिजिस कदर, जो कि अंतिम अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के वारिस थे, पुत्र थे। उन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। तो 24 दिन की यात्रा ही रही थी और 5 मार्च को दांडी पहुँचते हैं महात्मा गांधी जी और 6 मार्च को सांकेतिक रूप से वहाँ पर नमक बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य नहीं है? तो बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था, ये कथन भी सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में अगा खान के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था तो गलत है यहाँ पर, ये उस गांधी जी तो उस समय भारतीय राजनीति का हिस्सा भी नहीं थे, 1915 में भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो 1938 में नहीं, 1939 होना चाहिए था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर 1806 में वेलोर में हुआ था। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ हमें मिलाना है, तो अभिनव भारत की स्थापना की थी यहाँ पर विनायक दामोदर आ जाएगा, गदर पार्टी के लाला हरदयाल, अनुशीलन समाज पार्टी वरिंद्र कुमार घोष और डी के सती, सभी के सभी सूची को हमने मिला दिया, परंतु यहाँ पर आंसर क्या दे रखा है गलत दे रहा है यहाँ पर, कौन से
मिलान करना था हमें, तो हम यहाँ पर मिलान कर चुके हैं, सभी यहाँ पर सही हैं बिल्कुल। आपस से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ताराशंकर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें, और राजसी राजगोपाली और जगजीवन राम थे, तो यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की संकल्प की घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी तो 3 जून 1947 को, इस योजना का संबंध भारत विभाजन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो रोल टैक्ट 1919 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918, नेक्स्ट है चंपारण ये 1917 में, अहमदाबाद मीर आंदोलन 1919 में। इस प्रकार से आप इसको सही कालक्रम में लगा सकते हैं, पहले तीन ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 में हुए मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किया था? तो श्री नारायण गुरु ने किया था, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया था? तो ये रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जो अपनाई गई थी वो मद्रास और बम्बई में, जबकि स्थाई बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा में लगाई गई थी, अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जी की पहल पर की हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? तो फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुरक्काए दिल्ली का लेखक था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी दरगाह कुली खां। नेक्स्ट है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था? तो पलवरम से, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चिरान से। नेक्स्ट है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो हमें उस संस्कृति के काल का मापन कर सकते हैं। मान लो कोई यहाँ पर टीला दिया गया है, अगर हम उसकी लंबवत खुदाई करें तो उससे उसके काल का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ वे इसे कहते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल
समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था, तो लोथल, लोथल वहाँ का बंदरगाह नगर था उस समय। नेक्स्ट है, ये गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का मानव इतिहास के किस काल से संबंधित था, तो एक आद्य ऐतिहासिक काल था, क्योंकि इसमें जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोरतुगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वामित्र। इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, इस मंडल में ही। नेक्स्ट है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली एरन नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है, तो ये हड़प्पा पश्चात, हड़प्पा के जो पश्चात जो संस्कृतियाँ जिन सतियों का उद्भव हुआ उनसे इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गविष्ठी। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो इसमें देवताओं देवताओं को प्रार्थना कृषि कर्मकांड का भी किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कृषि कर्मकांड का। नेक्स्ट है, कैथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था, तो पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता था ऋग्वेद काल में। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कांड दिया गया है, कथन है ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। कांड है ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदथ। विदथ ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोत्स के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन धर्म सभा का आयोजन यह आयोजित की गई थी, कहाँ पर की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी, दूसरी वल्लभी में। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या थे, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ थे और इसके तीन भाग थे, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो ईश्वर द्वारा केवल वह प्राप्ति, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे। बाकी सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं, अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जन भाषा में उन्होंने प्रचार किया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋषिपत्नम या सारनाथ में, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, सबसे अधिक वर्षा काल उन्होंने श्रावस्ती में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया था, जबकि सुतपिटक का आनंद, सुतपिटक का संकलन आनंद ने किया और उपाली ने विनय पिटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, काकना दबोट महाविहार कहाँ स्थित था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांची में। नेक्स्ट है, प्रतिवेदक का कार्य क्या था, तो प्रतिवेदक का कार्य घटनाओं की सूचना देना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के समय के जातर अभिलेख किस भाषा में है, तो वो भाषा पूछे तो प्राकृतिक और अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, जो कि भारत में पाए गए हैं, जो भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में, जबकि पाकिस्तान में जो अभिलेख पाए गए हैं वो खरोष्टी और अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक भाषा में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनात के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था,
राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक ने श्रेणी कहते थे, तो श्रेणी व्यापार संघों को कहा जाता था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ू क्या था, तो नाड़ू एक प्रशासनिक इकाई थी दक्षिण भारत में, पलनाडु, नाड़ू, कोट्टम, उर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी उसे कहते हैं शक संवत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शक संवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि शकों ने इसका बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या से हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के समय किसके शासनकाल में हुई, तो सुंग शासनकाल में हुई थी मनुस्मृति की रचना, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच में इसकी रचना मानी जाती है ऐसे तो। नेक्स्ट है, कुरल का रचयिता था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, तिरुवल्लुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98, तोलकाप्पियम की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है व्याकरण और काव्य। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मृच्छकटिक कटिकम किसने लिखा, तो इसकी रचना की थी शूद्रक ने, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यिंगतू के नाम से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।